हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं मॉर्निंग में उठ के नहा धो के सब कुछ बाल बाल धो के रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी ही नहीं हुई हूँ मैं, मानवी के स्कूल जाके सानवी को अकेली छोड़ दी थी। मेरी सानवी का हालत ख़राब कर दी मानवी, तो मानवी का एडमिशन करा दी। और अब मानवी का बुक लेने की बारी है, देखिए कितना बुक है 14। मानवी देखो इस बार तुम्हारा कितना बुक लेना है, टोटल 40 बुक। अच्छा उतना ही है, 14 बुक। देखो ये मानवी का बुक का लिस्ट मिला है, जो कि कल अब नहीं मिलेगा, 29 तारीख को मिलेगा, क्योंकि कल यहाँ पे इलेक्शन है, ठीक है, इसीलिए कैंसिल। और ये मानवी की रिपोर्ट कार्ड, जो कि मानवी 1 से 2 में पहुँच चुकी है। दूध वाला आया, उसका बोतल तो हम नीचे डाल दिए हैं। हाँ थोड़ा एक्सरसाइज करो, हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं नीचे ऊपर। और यहाँ पे सानवी बैठ के बटर खा रही है, पीनट बटर। और मैं चली चिकन, सॉरी चिकन बोलती हूँ, बेटा बुक का लिस्ट दे। तो अभी मैं किचन में पहले तो चाय बना के थोड़ा सा पीऊँगी, पूरा अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और इधर फिर पतिदेव फिश ला के रखे हैं, देख सकते हैं, हल्दी नमक मिला के मैं चली गई थी। फिर मैं फिश बनाऊँगी, तो बने रही आप हमारे साथ, देखते हैं मैं क्या क्या कर रही हूँ। इसको रख देती हूँ और मैं पहले चाय बनाती हूँ। जानू बेडशीट सूख गया है, तो मैं कुछ कपड़ा उपड़ा धो ली थी, बेडशीट वगैरह। ए जी कहाँ गए, बेडशीट उड़ रहा है, आप कहाँ चले गए? तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरी फिश फ्राई हो रही है, जो जो खाते हैं फटाफट आइए मेरे घर, मैं सबको खिलाऊंगी, स्पेशली अपनी बहन जो है मेरी दीक्षा, उसको खिलाऊंगी। दीक्षा तुम्हारे लिए बना रही हूँ, आ जाओ। इधर मसाला मिक्स करके मैं रखी हूँ, फिश करी वेडनेसडे है तो फिश करी। तो देखिएगा जब मैं फिश सारा फ्राई करके रख चुकी हूँ, अब मैं फिश में मसाला डालने वाली हूँ, मसाला कभी ग्रेवी करूँगी इसकी। और सानवी खाती नहीं है, और तक बोलती कि खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगा, ये बचपन से ही इसको उल्टी हो जाता है, पता नहीं। तो ये खाएगी नहीं, सिर्फ छुएगी, रख देगी। तो चलिए मैं ग्रेवी कर लेती हूँ पहले इसका, फिर दिखाती हूँ आप लोग को। और इधर मैं फिश फ्राई के बाद मसाला फ्राई कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं मसाला फिश की फ्राई हो रही है। तो जो खाते वो देखेंगे, जो नहीं खाते उस इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर लेंगे, फिर फुल वीडियो हमारा देखेंगे। इसके आगे भी मैं अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो डालने वाली हूँ, तो चलिए फिर दिखाते हैं। हमारी फिश फाइनली बन के हो गई है रेडी, आप लोग देख सकते हैं। जो जो खाते वो आए मेरे घर, मैं उन सबको बना बना के टेस्टी टेस्टी खिलाऊंगी, बेटा ठीक है। चलिए फिर हम फिश कड़ी का। तो देखिए गाइस यहाँ पे शाम के टाइम में छत में बहुत ही सुंदर हवा बहता है, इतना बयां नहीं कर सकते। रात होते होते ये हवा पता नहीं किधर चली जाती है, इतना खूबसूरत हवा चल रहा है। रात को हमारी एसी अभी तक फाइनली अब लगता है कहीं ठीक हो जाए। कंप्लेंट हम एक्शन लिए है, कल कंप्लेन की हूँ मैं, बताती हूँ आती हूँ तो इसके बारे में। इतना परेशान कर रखा है मुझे। और देखिए हवा की वजह से यहाँ एक पत्ता पेड़ का हालत दिखा रहा है आपको। ये बेल का पेड़ मैं कुछ दिन पहले आपको दिखाई हूँ, पत्ता से भरा था। अभी देखिए ये सबका पत्ता चला गया, कुछ नहीं है, खाली पेड़ में बेल दिख रहा है, देख सकते हैं आप। फाइनली मैं मानवी को लेकर ट्यूशन से आ रही हूँ, सानवी को देखती हूँ, अभी नीचे छोड़ूंगी। सानवी नीचे खड़ी है वहाँ पर, सानू पिजोन से पंख लहरा रहा है, ऊपर में आओ तो सामने अजीब अच्छा अच्छा व्यू दिखता है। सब ऐसे घूम के उस घर पे आके बैठ जाते, कितना सुंदर से बैठ गई। तो चलिए गाइस मैं सानवी मानवी को ट्यूशन से लेकर आ रही हूँ, सानवी नीचे देखती हूँ, पीहू के पास छोड़ूंगी। इसका लाने का टाइम छोड़ने गई थी तो मैं सानवी को मोबाइल देके गई थी, सानवी का मोबाइल बंद हो गया, सानवी रोने लगी। चलिए चख लिए, चले हमारी सानवी हाय बोल दो सानवी सबको, चलिए आ जाइए। वो अभी जलजीरा चाट रही है हाथ में रख के, चलिए चलो 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 जल्दी चलो, लेट हो रही है। चलिए बने रही हमारे साथ, मैं सानवी को नीचे छोड़ती हूँ। गाइस मैं फाइनली सानवी को छोड़ के रास्ते में आ गई हूँ। बेटा मेरी पीहू की मम्मी, पीहू को जानती है, पीहू की मम्मी को उतना नहीं पहचानती, तो उनके पास जैसे मैं हाथ उसको दी वो रोने रोने कर ली, पता नहीं। फिर पीहू लोग को बुला दी तो थोड़ा सा वो लोग बच्चे लोग आ गए सब, तो वो फिर
मतलब थोड़ा देर रुकने का ये कि फिर बच्चे लोग अपना खेलने के लिए भाग गए, और पता नहीं अब शांति मेरी तोड़ रही है कि खेलने के कि क्या कर रही है। कैसे भी मुझे जा के आने में ऑलमोस्ट 20 मिनट तो लग ही जाता है, लाने जाती हूँ तो पता नहीं, देखते हैं। चलिए मैं फटाफट कोशिश कर रही हूँ, फास्ट में जा रही हूँ, जल्दी पहुँच जाओ बच्चे के पास, क्योंकि बच्चे को छोड़ के आना इतना छोटी है, जब गई थी तो आती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, अभी 20 शिफ्ट हो जाते हैं तो रात में भी मैं अकेले इतना दूर नहीं आ सकती, और दिन में मैं सानवी को छोड़ के आना पड़ता है, तो तेज हवा चल रही है, और रात होते होते हवा पता नहीं कहाँ चला जाता है। 10:30 तक हवा रहेगी, और उसके बाद जैसे ही 11 हुआ हवा धीरे धीरे ख़त्म कर दी स्टार्ट। तो चलिए गाइज, मैं सानवी को लेकर जल्द से आ रही हूँ मार्केट, इधर मैं रास्ते से जा रही हूँ, फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ। मानवी को लेके आने दीजिए जल्दी से, सानवी को मैं बोल देती हूँ, सॉरी गाइज, मैं तुरंत अभी मानवी को लेके आ रही हूँ, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ओके गाइज, तो देखिए गाइज, मैं फाइनली मानवी को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ, हमारी मानवी बेटी आ गई। गाइज देखो, चीज़ पता है अकेले रहने का फ़ायदा भी और नुकसान भी, लेकिन नुकसान क्या है, एक बेटी को मैं वहाँ पर छोड़ के एकदम ध्यान लगा जो मेरी सानू कैसी होगी, सानू कैसी होगी, एक मेरे पास ही है, अगर साथ में होते तो कोई देखता। वही कोई बोलता है ना, अकेले रह के एक बच्चा संभालना आदमी को मुश्किल लगता है, फिर भी मैं दो संभालने, ऊपर से कोई और मेरे को बोलते हैं तो मुझे अजीब लगता है, कैसे एक को मतलब ये करके दूसरे को संभालना बहुत थोड़ा सा टफ है, अकेले बाहर में रह के और दो बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है, पढ़ाना लिखाना बच्चे को। यहाँ पर हम लोग का लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि यहाँ सब उड़िया बोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा वहीं पर मार खा जाते हैं लैंग्वेज की वजह से, किसी के पर विश्वास भी नहीं, भरोसा भी नहीं किसके पास छोड़ेंगे बच्चे को, अकेले भी रूम में नहीं छोड़ सकते, इतनी छोटी है सानवी, फिर भी छोड़ ही देते हैं। अब मानवी का स्कूल खुल रहा है, कुछ दिन के लिए खुलेगा, फिर समर वैकेशन छुट्टी हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है जो क्या करे। ट्रांसपोर्टिंग कुछ दिन के लिए भी जाएगी तो पूरा मंथली ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देना पड़ेगा हमको, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आने के बाद गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलेगा तो कैसे भी स्कूटी ले लेंगे और कुछ छोड़ेंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं चलती हूँ, हमारी सानवी पता नहीं कैसे हुई, शाम हो चुकी है देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, इधर लाइट वाइट सब जल रही है, इधर मंदिर दिख रही है सामने। चलिए चलो, माने हाय बोलो सबको, चल के रूम पे मिलते हैं गाइस। दो भूत आपस में लड़ाई कर रही है। देखिए गाइस, है सानवी को अंदर घुस के कर क्या रही है, पहले तंग की है उस रूम में, थवरा दिखाओ। देखिए बच्चा सबको देख लीजिए, यहाँ देखिए इंक से पूरा क्या की है, कपड़ा गंदा की है, देह गंदा की है, यहाँ कपड़ा भी देख लीजिए। तुम उठाओ, इधर आओ, इस लड़की को हम क्या करे, फेंक दे, अबीर लगाई है, कलर लगाई है। तो हे गाइस, अभी मैं सारा काम करके फ्री होके थोड़ा सा बैठी हूँ, तो आप लोग से बात करने आ गई। जानते हैं गाइस, बहुत दिन हो गए थे, मम्मा मेरी गांव गई थी, मम्मी तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो आज मतलब मम्मी से फ़ोन में, सबसे फ़ोन में बात करने लगी, मम्मी से बात की, फिर सासू माँ से बात की, फिर एक और मेरी बगल में फ्रेंड है उनसे बात की, फिर वहाँ जब मैं पहले वाली रूम में रहती थी तो कंटिन्यूस होकर फ़ोन आने लगा। मैं कुछ मतलब सिलाई विलाई कुछ करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई और लेटे रह गई, इसमें टाइम चला गया। अभी देख सकते हैं रात के 9:30 हो गई है, और 10:30 में हमारे पति देव जी आएंगे, फिर उनका कल जनरल शिफ्ट ड्यूटी है, सुबह में वो 8 बजे जाएंगे, क्योंकि उनका शिफ्ट हमेशा चेंज होता रहता है, कभी ये शिफ्ट, कभी वो शिफ्ट, कभी वो शिफ्ट, कभी वो शिफ्ट, ऐसे चलता है उनका। तो अभी मैं लेटी हूँ, और आप लोग देख सकते हैं सानवी भी इधर परेशान करिएगा, इस पता है दिन में इतना सुंदर हवा चलता है, रात होते होते पता नहीं वो हवा किधर पूरा गोल हो जाता है, रात में सोने में बहुत तकलीफ होता है, एसी का देख रहे हैं कंडीशन खराब है। तो क्या हो रहा गाइज, मेरे हस्बैंड जब एसी लिए थे तो वो क्या प्रोटेक्शन कुछ होता है मुझे उतना आइडिया नहीं है, वो 3 साल का कुछ सर्विसिंग ले रखे थे, उसका इंश्योरेंस एज लाइक समझिए, जो 3 साल के अंदर कुछ अगर हमारा फॉल्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो फ्री मतलब सर्विस देंगे उसमें। और अभी जब हमारा एसी में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कंप्लेन कब से फ्लिपकार्ट वाले के पास मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो वहाँ से वनफुल वाले कस्टमर केयर के पास फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसे करके समस्या हम लोग झेले जा रहे हैं। अब सही होगा कुछ नहीं, कल मैं इनसे गुस्सा करके बोली लाओ आप नंबर लाओ मैं बात करती हूँ, कल मैं फ्लिपकार्ट वाले को दवाड़ी कस के ये क्या नौटंकी लगा रखे हो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने ऊपर वाले से बात कराओ, मुझे नहीं बात करना है, मैं आपसे लिया था, आपके पास मैं पैसा पेड किया था ना, मैं आपसे बात करूंगी, ऐसे करके फिर उन्होंने एक नंबर दिया, फिर वहां पे बात किया, फिर वहां पे वहां से कुछ और एक जिसका प्रोटेक्शन जो देता है उसका नंबर मिला,
तो आज फाइनली बात हुआ और उन्होंने मेरा कंप्लेन दर्ज किया, बोला 48 घंटे के अंदर आपका कुछ मतलब हो जाएगा सॉल्व। तो देखते हैं 48 घंटे के अंदर क्या होता है। लेकिन गाइस पता है बाकाय में 15 दिन से परेशान कर रखा है। मैं इनसे बोली जितना पैसा आप एक्स्ट्रा पेड किए उतना तो मैं अभी दे के अपना रिपेयरिंग करा लेती, इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता। लेकिन क्या अभी इतना एक बार मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है तो समझ आया। लेकिन गाइस ऐसा मत करिएगा आप लोग, मैं तो सजेस्ट करूंगी सब के चक्कर में मत पड़िएगा आप, कुछ सर्विसिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे और आपका वही पैसा अभी हम देते तो हमारा अभी तक हो गया होता। लेकिन वही पहले पेड कर चुके हैं, अब करवाने के लिए हमें कितना तकलीफ झेलना पड़ा, बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। ऐसा मैं सजेस्ट करूंगी ऐसा हमें आप लोग नहीं फंसिएगा। मेरे में प्रॉब्लम अगर मान लीजिए मेरा 2.5 साल हो गया, अगर 6 महीना और कुछ नहीं होता तो वो 3,000 मेरा ऐसे ही जाता सुजाता। और कुछ मतलब ये सब भी प्रोसेसिंग हमको पता नहीं होता जो इतना मतलब परेशान करते हैं लोग। खैर छोड़िए, लेकिन क्या कंपनी वाले सब ये हद कर देते हैं, इधर से उधर घुमाते उधर से उधर घुमाते ऐसे करते हैं। देखिए हमें गर्मी बढ़ती जा रही है, मुझे इतना सिलाई स्टिचिंग करना है, सिलाई ड्रेस है, ब्लाउज वगैरह कुछ बनाना है। जो ब्लाउज मैं देखी थी दिखाई थी छोटा हो गया, उसको भी थोड़ा किसी किसी को लूज टाइट ये सब मतलब रिपेयरिंग करना है। क्योंकि अगले महीने में कहीं जा रही हूँ बहुत, अगले महीने जो हमारा ब्लॉग देख रहे होंगे जो नए लोग के पास जाएगा जा रहा है उनके लिए मैं न्यूज दे देती हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट वाली वीडियो आने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। फिर हम कल नए वीडियो के साथ आप लोग से मिलेंगे। सानवी भी थोड़ा बोलेगी, ब्लैक को रेड को ब्लैक कर दीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू टेक केयर।